भाग राजा या गधा राजा। एक गांव में डोबी के पास एक गधा रहता था। वह हमेशा मालिक से खुश नहीं था। डोबी के इस चार घास चरे के लिए मैं भला क्यों मेहनत करूं? मेरा श्रम और उसका फल, इस भेद को मैं क्यों भुगतूं? सोचकर वह हर दिन रात को अपने आप को छुड़ाकर पास के जंगल में भाग जाता था। जंगल के गधे इस नई आई हुई गधे को संदेह से देखे। पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर जल्दी उसके बातें सुनकर उधर शामिल हो गए। आगे आगे उस गधे ने उन सब के बीच अपनी पहचान बना ली। एक दिन उन गधों के भीड़ में इस जंगल का राजा कौन है बोलकर पूछा। भाग राजा, बोलकर कहा एक गधे ने। कब से? हमारे दादाओं के जमाने से ही यह भाग राजा के दादा राज्य करते थे। फिर इनके पिता का अधिकार चला और अब उनके बाद ये भाग राजा राज्य कर रहे हैं। यह कितना घोर और सरासर धोखा है। कुछ सोचो, हमेशा भाग जात ही राज्य करेगा तो फिर बाकी के जानवरों को राज्य पालन करने का मौका कैसे मिलेगा? इस बार हमारे जात को ही राज्य अधिकार का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से सारे गधे सोच में पड़ गए। आखिर में वही बूढ़ा गधे ने पूछा, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य पालन करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए ना? यह बात सुनते ही वह नई गधा जो उसे चिल्लाकर पीछे के पैर से जमीन पर लात मारी। हमारे भलों को हम ही कम समझ रहे हैं। हम बुद्धि में और बल में किसी से कम नहीं, लेकिन हम बस थोड़ा धीरज रखते हैं। उतना क्यों? मुझे एक बार अधिकार देने को कहो, इस भाग राजा से अच्छा राज्य पालन करूँगा। सारे गधों ने मानते हुए सिर हिलाया। अपने नए नायक गधा राजा की जय जयकार करते हुए नारे बोलने लगे। अगले दिन सारे गधे भाग राजा के पास आए। सब गधों को एक ही बार देखने पर मंत्री लोमड़ी भाग जाता था। क्या बात है? बोलकर भाग राजा गरजने लगे। गरजने पर वे सब डर गए, पर फिर भी कुछ बाहर नहीं दिखाए। गधा राजा, हमारे आने की वजह भाग राजा से कहो, सारे गधों ने कहा। भाग राजा को तो वह सब देख के बहुत ही मजेदार लग रहा था। हवा के झोंके से कोई उड़ पाता है क्या? राज्य का मुकुट सच में कांटों से भरी होती है। उसकी आशा सबको होती है, पर अधिकार का योग्य ना होने पर वह मूर्खता होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाग राजा? हमें एक बार अवसर तो दो। हम उसके योग्य है या नहीं आपको ही समझ में आ जाएगा। बोलते हुए गधे राजा ने बहुत ही देर से भाषण देने लगे। बाघ राजा को पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका था। गधा राजा अकेला आया होता तो अब तक एक ही पंजा में मार कर कहीं दूर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है, आज से इस जंगल के राजा तुम हो। इस जंगल की हजार आंखों से हिफाजत करो। सारे गधे विजय नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। गधा राजा को शुभकामनाएं देकर खुशी मनाए। ऐसे कुछ दिन जंगल के राजा के होदे में गधे ने सारे भोगों का अनुभव किया। एक दिन कहीं से हाथियों की भीड़ आकर जंगल में बवाल करने लगे। सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे थे। छोटे जानवरों को पैरों से कुचलते हुए शोर मचाते हुए सबके नींद हराम करके छोड़ दिया था। इससे गधा राजा को बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को चौकन्ना किया। एक ही बार सारे हाथियों पर दंड किया, लेकिन हाथियाँ उनसे नहीं डरे। वे सारे पलट के वार करने लगे, अपनी सूंड से बहुत दूर धक्का देने लगे। इससे बहुत सारे गधे डर के भाग गए। गधा राजा के बातों से डट के एक हाथी का सामना किया तो उसे गुस्सा आकर गधा राजा को अपनी सूंड से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया तो बस गधे का कमर टूटने वाला था। एक क्षण की भी देर ना करते हुए तेजी से बाघ के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाघ राजा, मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम गधे, हमारा वजन उठाने का काम पर्याप्त है। आप बाघ है,
आपको ही सबके राजा होने का अधिकार है। अब चलिए, देर करने पर हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा, बोलकर हाथियों के बारे में बताया। गधा अपनी गलती जानने पर भाग राजा हाथियों के भीड़ के पास आकर जोर से गरजा। बस एक ही गरज से सारे हाथी उल्टे पैर वापस लौट गए। इस कहानी की शिक्षा है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कव्वे रहते थे। उनमें से एक कव्वे को बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी दूसरे कव्वों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कव्वे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कव्वे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं के बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कव्वा उनकी बेइज्जती करने लगा। कव्वे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर भी कव्वे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कव्वे की रोज रोज की बक बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुन्द्र पे होगी। कव्वा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कव्वा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कव्वा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता। लेकिन कव्वे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया। कव्वे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कव्वे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंडी बेड़ और सींग वाला बेल। एक जंगल में एक बेड़ रहता था। वो बहुत घमंडी था। उसके जैसे मजबूत शरीर, सूखे सींग किसी दूसरे जानवर को नहीं होंगे करके उसका भ्रम था। वो एक गुफा में निवास करता था। उस गुफा के पास किसी को भी आने नहीं देता था। अगर कोई आया भी तो उसे अपने सींगों से डराता था। एक दिन उस जंगल में घास खाने एक बैल आया। अकेले ही घास खा रहे उस बैल को दूर से एक शेर ने देखा और तुरंत शेर से बचने के लिए वो बैल भाग निकला। उसको भगा रहे शेर के पंजे में कहीं आ ना जाए करके अपने प्राणों को बचाते हुए बैल जंगल में कुछ माइलों दूर भागा। आखिर में ना कुछ कर पाते हुए भगाने वाले शेर से बचने के लिए वो बैल एक गुफा में घुस गया। वो गुफा तो घमंडी बैल का निवास था। गुफा में घुसे हुए बैल को देख बैल गुस्से से ऐसे कहा कि, ओए इधर क्यों आए? पहले इधर से बाहर जाओगे कि नहीं? मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, थोड़ी देर मुझे आश्रय दो, बाद में मैं खुद चला जाऊंगा। बोल के अनुरोध करते हुए बाहर देखा,
गुफा के बाहर उसके लिए शेर ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। अच्छे से बोलते तो बात समझ नहीं आएगा क्या? अब तो मेरा सींग का उपयोग करना ही पड़ेगा, बोल के भेड़ ने बैल पर वार शुरू किया। बैल के अनुरोध करने पर भी ना सुनते हुए मेरे सींग के वार के लिए तैयार रहो, बोलते हुए और मारने लगा। तब तक भाग भाग के टकने वाला बैल भेड़ के उछलने पर उसके हरकतों पर कुछ देर धीरज रखा, पर शेर उधर से चले जाने के बाद उसकी असली ताकत भेड़ को दिखाया। तुम जैसे लातों के भूत बातों से कहां समझते हो, बोलकर उसके शरीर के बल को सींग की ताकत को दिखाया। लगभग भेड़ बेहोश होने तक वार करता रहा। इससे भेड़ अपनी गलती जानकर पश्चाताप किया और बैल से माफी मांगा। उसके बाद से गर्व को त्याग कर सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी की सीख है कि ब्रह्म में जीकर कोई लाभ नहीं, वास्तविकता को ध्यान में रखकर रहना चाहिए।